सड़क पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आरटीओ हमीरपुर ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। आरटीओ वीरेंद्र शर्मा के द्वारा चार जगहों पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई और गाड़ियों में खामियां होने पर चालान काटे गए। वहीं मौके पर ही करीब 27,000 रुपए के चालान काटे गए। चेकिंग के दौरान करीब 150 गाड़ियों को रोक कर चेकिंग की और 20 गाड़ियों में कागजात से लेकर दूसरी कमियों को लेकर चालान किए गए। कुठेड़ा चबूतरा एनआईटी चौक कलंजड़ी देवी के पास नाका लगाया गया था। आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजी बस चालक बसों को रोकते ही नहीं है, जिसके चलते आज औचक निरीक्षण किया गया और बसों की चेकिंग की गई। आरटीओ हमीरपुर ने बताया कि निजी बस चालक और परिचालक बिना वर्दी के ज्यादा पाए गए हैं, जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है और आगे से वर्दी डालकर गाड़ी चलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी इस तरह की औचक चेकिंग अभियान जारी रहेगा, ताकि नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। आज हमने 3-4 जगह जो है वो चालान किए, गाड़ियों को रोका, उनकी चेकिंग की। हम चबूतरा से थोड़ा सा आगे एक जगह पॉइंट बना के हमने कम से कम कोई 30-40 गाड़ियां वहां चेक की, और इसी तरह हमने हमीरपुर से थोड़ा आगे चौकी जगह के पास भी गाड़ियों को चेक किया। एक जो पटलांदर का रोड जहां पे मुड़ता है उस पॉइंट पे भी हमने गाड़ियों को चेक किया, और इसके अलावा हमने NIT कैंपस के बिल्कुल आगे जो आवा देवी रोड है उस पर भी गाड़ियों को चेक किया। तो करीब जो है 100 से 150 गाड़ी जो है वो आज हमारे द्वारा चेक की गई, जिसमें छोटे व्हीलर्स और बड़ी गाड़ियां जो है वो सभी जो है वो शामिल हैं। लगभग जो है हमने 15-16 चालान मौके पे किए, और जो कम से कम 26-27 हज़ार की मौके पे ही दो जो लड़के थे उनके छोटे चालान करके करीब 500 रुपये जो हमने मौके पे किया, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे। ज़्यादातर जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको ये सख्त हमने ये भी वार्निंग भी दी मौके पे कि आप हेलमेट का प्रयोग करें, और हेलमेट का अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो हम आपके जो है वो इस दशा में चालान भी करेंगे, और इवन लाइसेंस को लेके भी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है। और चालान का ये जो काम है ये जिला के अन्य हिस्सों में भी हम जो है वो इसको जारी रखेंगे, ताकि ट्रैफिक से कोई भी जो समस्याएँ हैं उनको दूर करें और लोग जो है नियमों का पालन करें। वर्दी को लेके विशेष, क्योंकि ड्राइवर्स और कंडक्टर जो है वो ज़्यादातर बिना वर्दी के पाए गए प्राइवेट बसेज में भी, और इवन जो टैक्सीज में भी जो था उनका जो चालक थे वो बिना लाइसेंस के थे। तो ये उन्हें बताया गया कि वो अपनी वर्दी का यूज़ करें, और कम से कम जो नियम है उनको ठीक से पालन करें, और उससे एक अच्छा एक व्यवस्था बनाने भी सही होगा। जो हमारा जो ध्येय है वो चालान नहीं है, सिर्फ ये है कि ट्रैफिक के नियमों का जो है वो पालन किया जाए और पालन को सुनिश्चित करें, क्योंकि आरटीओ कार्यालय में आए दिन लोगों की शिकायतें मुझे टेलीफोन के माध्यम से और लिखित तौर पर भी आती हैं कि जी ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो बसेस को कई बार वो खड़ा ही नहीं करते हैं। जब कुछ एक दो तो ऐसे इंसिडेंट थे जो मैंने स्वयं भी देखे, जिसमें उनको ये जो लोग थे वो पेशेंट थे, रोगी थे, और हमने ऐसे भी एक ड्राइवर को जो है मैंने अपने तरफ स्तर पे उसको चेतावनी दी है कि कम से कम ऐसे यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार भी करें। और व्यवहार को लेके भी बहुत ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो ड्राइवर कंडक्टर की आ रही हैं कि वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, या जिस स्टेशन पे उनको उतारना है उससे जान से थोड़ा सा आगे उतारते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके माध्यम से जो है वो टास्क फोर्स जो रन कर रहे हैं उन तक जाएँ और इन चीज़ों को भी करें, ताकि लोगों को मैं अच्छी सुविधा दे सकूँ।